तो आप सबका स्वागत है एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। अभी मतलब व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया सुबह। फिर मुझे लगा कि आप लोग भी कहोगे रोज रोड ही दिखाती है, तो सोचा नंदिता के साथ व्लॉग की शुरुआत करूं। ये साथ में है मेरी नंदिता, बहुत ही इनोवेटिव और एक्टिव अपने फील्ड में। वैसे ये मैस पे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम रहता है इनका। और दिखाते हैं अब डीडी हाट की कुछ वनस्पतियाँ। तो आप सबका स्वागत है एक नए दिन के साथ नए व्लॉग में। अभी मतलब व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से। डीडी हाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, बारिश होने से देखिए यहाँ की जो वनस्पति है बिल्कुल ही अलग दिखेगी आपको, बहुत बहुतायत में दिखेगी। मतलब कि फर्न का छोटा रूप दीवारों पर, लाइकेंस हैं दीवारों पर, ये पत्थर चट्टा, बहुत सुंदर फूल आता है इसमें व्हाइट कलर का, हल्का हल्का पिंक भी रहता है किसी किसी में। तरह तरह के फूलों की श्रृंखला में देखिए बिल्कुल एक नया फूल, और ये जंगली पौधा है कोई, और जंगल में ही इसने ग्रो किया हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है फूल यहाँ पे। ये है रात की रानी, और रात में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी ये खिला नहीं है, दिन में नहीं खिलता है, क्योंकि रात की रानी है तो रात को ही खिलेगा। बोले रात को अति प्रिय जो होते हैं वो है रुद्राक्ष। देखिए यहाँ पे लगा है रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष के फूल हैं और ये रुद्राक्ष के फल है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसको खाया जाता है, और इसके अंदर से निकलता है एकमुखी, द्विमुखी, पंचमुखी रुद्राक्ष। अब ये पता नहीं कि ये कौन सा रुद्राक्ष है, बहुत ही सुंदर। और एक सुंदर सी तितली भी इसमें आकर बैठी है, वो ले रही है पराग। कई रंग बिरंगी तितली कई रंगों से युक्त है। और देखिए ये है बहुत सुंदर सा रुद्राक्ष का पेड़, बहुत ज्यादा रुद्राक्ष इस पे लगे हुए हैं। फिर से यार्ड में बहुत सारी जोंक लगती है, वहां पे मैं रुद्राक्ष के पेड़ के पास गई ना, तो यहाँ पे लग गया है जोंक। जोंक जोंक एक एनिलीड है, और ये लग गया था एनिलीड है ये। अगर हम इसको साइंस में देखें तो एनिलीडा फाइलम का एक प्राणी है, और इससे कई खंड इसमें होते हैं। ये देखिए ये है जोंक है। फिर ये दो दो वाला लेते हैं, तीन चार चार दो, इसमें तीन ऐसी नाइन आ रहे हैं। अच्छा, तो आया था ये पहली जॉइनिंग। इसको आप स्टार्टिंग में फोकस कीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे को अपने आप इंटरेस्ट आते रहे। हाँ। जगदीश सर ने पहले, अगर मैं तुम्हें चौकड़ी बोर कर नहीं पाता छोड़ दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो कभी गुजरे होंगे नहीं पाता उसे जानते हैं किसके क्या लोग। अब भी हमारा नाम हमेशा साथ लेते हैं धारचूला मुंसारी जैसे। युगल कुछ कहना चाह रहे हैं? युगल प्लीज, क्या कहना चाह रहे हो आप? घर एक मंदिर है, हाँ। जहाँ कभी कभी जाना। अच्छा, देखे कितने अच्छे विचार हैं। घर एक मंदिर है और वहाँ कभी कभी जाना। सर बताइए, आप ये कहना चाह रहे थे, बहुत लोग शादी के सख्त खिलाफ रहते हैं। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि शादी जरूर करनी चाहिए। हाँ। ताकि पता तो चले कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। ये हम निकल गए हैं, अधिकार से बोल रही हूँ, हम निकल गए हैं डीडी हाट से। और आज पहली बार इतने दिनों में, अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम बना हुआ है बारिश का, बिल्कुल काले काले मेघ, और यहाँ पर चल रहे खेल। मैं आपको दिखा देखे रोड में ही हमारी एक लोक संस्कृति की झलक, बीच में बीच चौराहे में खेल, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आठों की धूम मची है, गौरा आई है तो हर कोई झोड़े लगा रहे हैं, झोड़ा चाचरी उनके आने की खुशी में। तो देखिए आप डीडी हाट में चौराहे में ही कुछ महिलाएं खेल लगा रही हैं। अगर शौक है ना कुछ करने की, कुफ्त है तो जगह नहीं देखी जाती है। फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डीडी हाट में आए और हम बारिश के हाथ ना पड़े। तो बारिश शुरू हो गई है, मिर्ती पहुंचने वाले हैं, और मौसम इसीलिए काला काला हुआ था, बारिश शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि आगे ये बारिश जारी है या आगे मौसम साफ है। जलेबी वड्डा में ही नहीं दूसरा खान की भी फेमस है। हमने यहाँ पर से ले ली है गरम गरम जलेबी, और हम खाते हैं जलेबी
और सामने मौसम इतना भयंकर वाला काला हुआ है ना, बारिश बहुत तेज आने वाली है, तो हम जलेबी खा लेते हैं अब।